मसल गेन के लिए हमें एक बॉडी पार्ट के एक वर्कआउट में कितने सेट्स करने चाहिए? देखिए, इसका कभी भी एक एग्जैक्ट आंसर नहीं होता, क्योंकि एक इंडिविजुअल के गोल पे डिपेंड करता है। हाउएवर, जब हम बेसिक स्ट्रेंथ एंड मेजरली हाइपरट्रॉफी यानी मसल गेन की बात करते हैं, तो जो सबसे बड़ी मिस्टेक मैंने बहुत सारे इंडिविजुअल्स को करते हुए देखा है, वो है ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज वेरिएशन। यानी एक ही बॉडी पार्ट के कम से कम 6 से 7-8 डिफरेंट एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, और उसी को अगर हम मल्टीप्लाई करें, लेट्स से एक एक्सरसाइज में आप 3 सेट्स कर रहे हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 18 से 20 सेट्स पर बॉडी पार्ट वो कर रहे होते हैं। सेट से ज्यादा, मैंने हर बार बताया है, मैटर करता है कि आप सेट परफॉर्म कैसे कर रहे हैं, एक्सरसाइज की इंटेंसिटी कितनी है, कितनी रेजिस्टेंस यानी वेट लिफ्ट कर रहे हैं, टाइम अंडर टेंशन कितना है, रेस्ट बिटवीन सेट्स कितना है, बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। लेकिन मैक्सिमम केसेस में अगर एक वर्कआउट में एक एक्सरसाइज के आप 10 से 12 सेट करते हैं, वो आपके लिए काफी रहेगा। आपको क्या लगता है और आप कितने सेट्स करते हैं, मुझे